तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के बारे में एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ। इसका पहले आई होप आप लोग ये ट्रिक कहीं पे नहीं देखे होंगे एंड ये देखने के बाद आप भी चौंक सकते हो क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही एक अमेजिंग ट्रिक है। इसको ये ट्रिक देखने के बाद आपको भी लगेगा कि नहीं आज के वीडियो में मैं देख के कुछ तो सीखा हूँ। सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हो समीर टेक्निकल। सो गाइज आज का वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप व्हाट्सएप को कैसे स्मार्ट तरीका से आप लॉक कर सकते हो। जैसे कि आपका व्हाट्सएप कोई बंदा या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई भी हो या आपका मम्मी पापा कोई भी अगर खोलना चाहे तो उनके सामने जो भी व्हाट्सएप ओपन होगा वो एक फेक व्हाट्सएप रहेगा। बट उसको अगर आप यूज़ करेंगे वहाँ पे एक ट्रिक लगा के तो वो आपका जो भी रियल मैसेज आया ये सब देख पाएंगे। बट जो बंदा आपका खोलेगा उसको पता नहीं रहेगा कि ये एक्चुअल में रियल है या ये कुछ सजाया हुआ कुछ बनावट है। तो ठीक है आज के वीडियो में हम यही बताएंगे। उसके बारे में बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो नीचे सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि आपका भाई समय ऐसी यूट्यूब रिलेटेड एंड टेक रिलेटेड एप्लीकेशन के रिलेटेड बहुत सारे नया नया वीडियो लेके आता रहते हैं। तो चलो आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम लेके चलते हैं अपना फ़ोन का होम। सो भाई लोग देखो सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कहाँ से करना है ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं इसका काम आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन कैसे आपके लिए काम करेगा। सो नॉर्मल से मैं यहाँ पे हमारे जो भी के नोट है इसको ओपन कर लेता हूँ देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देन यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले तो अपने स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। मैं भूल गया था स्क्रीन को ऑन करने के लिए, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले तो हमें हमारे फ़ोन के स्क्रीन को ऑन कर लिया हूँ एंड यहाँ पे मैं के नोट एप्लीकेशन को ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं आपको ये दिखा दूँगा आपको कहाँ से इसको कैसे डाउनलोड करना है। पहले मैं आपको इसका वर्क दिखा देता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ हमारे यहाँ पे कुछ सेट वॉल्यूम की पैटर्न मांग रहे हैं तो हमें यहाँ पे नॉर्मल से क्लिक करके एक दो दो बार ऊपर कर देना, ऊपर का वॉल्यूम का बटन प्रेस करके एंड दो बार नीचे कर देना। देन इसके बाद हमें इसको नेक्स्ट करते हैं गाइज, फिर यहाँ पे रिकन्फर्म करते हैं। वॉल्यूम का वॉल्यूम बटन का जो भी प्लस होता है वॉल्यूम उस वाला बटन को आपको दो बार ऊपर करना है देन आपको वापस दो बार नीचे करना है। तो मैं इसी तरीके करके अपना पैटर्न लॉक दे रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे वापस मैं दे दूँ एंड इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हमारे जो भी दिखाई दे रहे हैं सेट अप वर्चुअल बटन। सो हम इसको यहाँ पे नॉन बोथ लेफ्ट एंड राइट बहुत सारे ऑप्शन है। सो हम इसको नॉर्मल से यहाँ पे बोथ में करके नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइज एक्चुअली मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ रात को एंड मेरा रूममेट जो भी है सारे सो रहे हैं तो मुझे इसीलिए थोड़ा आवाज़ नीचे करके बात करना पड़ रहा है आप लोगों के साथ, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। सो गाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मांग रहे हैं। सो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए कुछ भी एक आप अननोन कुछ भी सिलेक्ट कर देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन इसको बैक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। देन गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमें परमिशंस मांग रहे हैं जैसे यूजर्स एक्सेस एंड सेकेंड नंबर है डिस्प्ले ओवर ओवर द ऐप। सो हम इसको दोनों को परमिशन दे देते हैं, ठीक है। एंड जैसे गाइज एक मिनट दे देना, मैं यहाँ पे इसको परमिशन पहले दे देता हूँ। फर्स्ट परमिशन हमने दे दिया, बैक कर लेते हैं एंड सेकेंड परमिशन भी हम दे देते हैं, बैक कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर दिए एंड इसको हम फिनिश कर देते हैं, ओपन लॉक ओके कर देंगे। सो हमारे पास कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, ठीक है। सो हम इसको नॉर्मल से प्लस वाला सिंबल को ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसका पहले आपको इतना सारा करने के बाद आपको नॉर्मल से आपका अगर फेसबुक से करना चाह रहे हो फेसबुक से या व्हाट्सएप करना चाह रहे हो व्हाट्सएप से तो मैं नॉर्मल से आपको व्हाट्सएप में दिखाता हूँ। आप इसको कोई भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो मैं नॉर्मल से व्हाट्सएप में जाऊँगा, व्हाट्सएप ओपन होने के बाद ही जो हमारे फ़ोन पे जाता है हम इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। सो स्क्रीन शॉट मारने के बाद हम इसको क्रॉप कर लेंगे थोड़ा सा। सो क्रॉप देख सकते हो जो भी टाइम आता है हमें थोड़ा टाइम से सिर्फ नीचे निकालना है, इतना तक निकाल लेता हूँ। ऊपर में परफेक्ट है गाइस, ठीक है। एंड हम इसको सेव कर लेते हैं। सो मैं इसको सेव कर लूँ, अभी हम देख सकते हो यह था मेरा व्हाट्सएप, ठीक है। एंड जो भी मैं अपना अभी हम जाते हैं वो के नोट एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे के नोट एप्लीकेशन नॉर्मल से यहाँ पे बैक करते हैं एंड के नोट एप्लीकेशन ढूंढते हैं। फिर यहाँ पे आ गया हूँ, हम एप्लीकेशन को ऊपर से दोबारा ऑन कर लेंगे, यहाँ पे ओके मांग रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे नॉर्मल से के नोट को ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस जैसे देख सकते हो हमने दो बार ऊपर वॉल्यूम बटन प्रेस किया एंड दो बार नीचे प्रेस किया तो हमारी ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो हम इसको नॉर्मल से यहाँ पे ऑन कर लेंगे ऐप लॉक को एंड यहाँ पे हम ऐप लॉक यहाँ पे देख सकते हो आप ऐप लॉक के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो भी फ़ोन में एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन शो हो रहे हैं। सो हमें नॉर्मल सी जैसे व्हाट्सएप का व्हाट्सएप में मैं लॉक करने वाला हूँ तो मैं व्हाट्सएप ढूंढ लेता हूँ।
मैं जी बी व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो मैं नॉर्मल से यहाँ पे जी बी व्हाट्सएप अपना शो देख लेता हूँ कहाँ पे है, तो देख सकते हो गाइस। सो जैसे हमारे पास यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप आ जाता है, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना। उसका पहले हम यहाँ पे जो लॉक वाला बटन आ रहा है इसके ऊपर हम प्रेस करके लॉक कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ब्लैक वाला जो ऑप्शन आ रहा है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ब्लैक, देन आ रहा है ट्रांसपेरेंट, एंड थर्ड आ रहा है कस्टम। सो हमें कस्टम सेलेक्ट करना है। सो हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे। सो जस्ट अ मोमेंट, कस्टम में क्लिक किया। सो ये हमें हमारे गैलरी पे पहुंचा देगा, ठीक है। सो हम नॉर्मल से हमारे फाइल में चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो भी हमारे इमेज था हम अपने इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं नॉर्मल से इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। सो गाइस मैं इसको ले लिया हूँ, देन इसको क्रॉप करके ले लेता हूँ। सो हमारे यहाँ पे इतना सेट हो गया, ठीक है गाइस। सो अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऊपर से हम देखते हैं एक बार, ठीक है। नॉर्मल से हम यहाँ पर हमारे पास सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो भी वर्चुअल बटन है ये वाला ऑप्शन, इसको हम नॉर्मल से ऑफ कर देंगे गाइस, ठीक है। सो हम इसको ऑफ करेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद गाइस हमने क्या किया ये अभी आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्या व्हाट्सएप के साथ शेयर करनी किया। तो नॉर्मल से आप देख सकते हो, अगर कोई भी बंदा व्हाट्सएप ओपन करेगा मेरा फ़ोन लेके, सो आप देख सकते हो ये है मेरा वही वाला व्हाट्सएप। फ़ोन में दूसरा कोई व्हाट्सएप एप्लीकेशन है भी नहीं मेरे पास। सो मैं नॉर्मल से व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे कलो करूँगा, तो देख सकते हो मेरे पास कुछ ऐसी इंटरफेस आ रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कोई काम नहीं होगा, कोई टच नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या चेयर करनी किया, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होगा गाइज। आपको मैं इसमें भी दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गाइज एक बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट था, मैं यहाँ पे स्क्रीन में जितना भी टच वो भी काम नहीं होगा। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आपको ये ट्रिक पता रहेगा तो हम वहाँ पे जो लॉक सेट किए थे दो बार ऊपर बोले वाला बटन एंड दो बार नीचे करेंगे तो ये हमारे अनलॉक हो जाएगा। सो मैं एक बार देखता हूँ, एक दो, दो बार ऊपर, दो बार नीचे। सो हमने दो बार किए, तो देखो गाइस अभी टच हो रहा है। सो देख सकते हो आप अभी टच हो रहा है। सो गाइस ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, आप बता सकते हो। तो ये ट्रिक मैं खुद जैसे मैं एक्सपीरियंस किया है इसको, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर आपको भी पसंद आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पता चल गया तो आप अपना दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके तरह ही आपका जो भी करीबी दोस्त है उनको भी ये साइड ट्रिक के बारे में पता चल। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलो हम मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।